हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ। ऑल ओवर इंडिया जितने भी सी एस के स्टूडेंट्स अभी सी एस एग्जाम जब देते हैं बच्चा, तो सी एस का रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। तो आज इस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हमसे कनेक्टेड हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, शायद उनको कहीं ना कहीं उनकी जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम हो गया और आपने अपना पेपर दे दिया है। अब जो आपका कर्म करने था वो आपने कर दिया है। अब आपको अगला जो सोचना है वो अपने कर्म के बारे में सोचना है, ना कि रिजल्ट के बारे में। मैम, कर्म मतलब व्हाट? देखिए, अब दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। एक वो बच्चा हो सकता है जिसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, सपोज उसने ग्रुप वन दिया है। अगर उसने ग्रुप वन दे ही दिया है तो उसको अब नेक्स्ट सोचना चाहिए मुझे ग्रुप टू प्रिपेयर करना है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो ग्रुप वन दिया है लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, तो उसको ग्रुप वन प्लस सेकंड के बारे में सोचना चाहिए। इट मींस जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। आप सोच रहे हो रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में आपको सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है वर्क करना, आपके कंट्रोल में है पढ़ाई करनी। मैंने बोला ना, डिफाइन कर दिया। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन करो। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपको रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन फिर दोबारा से स्टार्ट करनी है उसी मोटिवेशन के साथ, या फिर दोनों ग्रुप की स्टार्ट करनी है मोटिवेशन के साथ। लेकिन ज़्यादातर बच्चे लैक ऑफ गाइडेंस क्या करते हैं, इस टाइम को ख़राब कर देते हैं। जो सी एस एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच का जो गैप होता है, इसको बच्चा पूरे तरीके से ख़राब कर देता है। सिर्फ सोचने में वो डिसीजन नहीं ले पाता, जो कि एक बड़ा टाइम उसका निकल जाता है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम जून में हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट 25 अगस्त को आता है, जो कि एक बड़ा लंबा अरसा है। जून के साथ पूरा जून, पूरी जुलाई और अगस्त के भी 25 दिन, लगभग 3 महीने होते हैं जिसमें पूरा एक ग्रुप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी बच्चों कि जिसके लिए आप इंतज़ार करते हो वो इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको अगला स्टेप ले लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे को खुद से पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो जो वो सोच रहा है वो गलत कर रहा है। अब वो सोच रहे हैं, फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। इट्स बेटर यू हैव टू एग्जीक्यूट, नो नीड टू वरी, नो नीड टू टेक टेंशन, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो, एक ग्रुप दिया है तो दूसरे ग्रुप की सोचिए। आपने दोनों ग्रुप दिए हैं, कोई ग्रुप अच्छा नहीं हुआ है तो रिविजन की सोचिए। आपके दोनों ग्रुप अच्छे हुए हैं तो सी एस प्रोफेशनल के सोचिए। प्रोफेशनल में हो, एक ग्रुप अच्छा हुआ है तो दूसरे के बारे में सोचिए। मतलब आपको कर्म के बारे में सोचना है, ना कि रिजल्ट के बारे में। और स्ट्रेस लेने से क्या फायदा, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, यू नो वेरी वेल। अगर ये इतना ही आसान हो तो सब सी एस बन जाए। जब आपको पता है कि कोर्स टफ है तो इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों है, या किस बात की टेंशन है, या किस बात का स्ट्रेस है? स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है, सिर्फ मेहनत करनी, बस उस पर फोकस करिए। रिजल्ट देना आपका काम नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे, आप डिसाइड करोगे अपना हार्डवर्क। तो आज में जीना है, ना कि कल में, क्योंकि हमारा आज ही हमारा फ्यूचर होता है और हमारा आज ही हमारा पास्ट होता है। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे हिंदुस्तान के सी एस के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस ही रह जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ कर्म करना है। अगर आप सी एस के स्टूडेंट हो, सी एस से कनेक्टेड हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्दर आप ही के कोर्स से कनेक्टेड आइदर अमेंडमेंट हो, रिविजन सेशन हो, या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या ICSI का कोई नोटिफिकेशन हो, वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो उस चैनल पे। तो उसके लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप CS स्टूडेंट हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको क्रक्स भी, लाइक कैसे CS को क्रैक करें, हाउ टू क्रैक CS, इसकी वीडियोस मिलेंगी। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मेरी आती रहती हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो भी देख सकते हो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।